चंद्रकांता जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। अच्छा सवाल कर लीजिए मैम। मेरे हस्बैंड को है ना दमे की शिकायत है। कब से? उनको हो गई थी 4-1 साल हो गया कम से कम। ठीक है। और ये उनका ऑपरेशन हुआ ना, क्या बोलते हॉर्निया, तो ये दवाइयाँ डिफेक्ट हो गई उसका। जी आपका और कोई सवाल? हाँ जी सवाल तो बहुत है, मतलब उनको जैसे दमे की शिकायत है ना, क्या बोलते और जब से उनका ऑपरेशन हुआ तब से उनका थोड़ा पेट, मतलब उनको थोड़ी मोटापापन आया तब से लेके ऑपरेशन के बाद उनका। और उनको दमे की सांस की प्रॉब्लम होती है कभी कभी बीच में। ठीक है मैम। और मेरे एक बेटा है और वो है 27 साल का। और जी उसको है बचपन में जब छोटा था 3 दिन का था जब उसका ब्रेन जाम हो गया, तब से लेके उसको है क्या बोलते एक बाबा सीर भी है और साथ में उसको खूनी बाबा सीर है और साथ में उसको है फिट चक्कर आते हैं, कभी दिन में 10-15 बार भी आते हैं, कभी 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 1-2 ही आता है दिन में। और उसकी आंखों की नजर थोड़ी वीक है तब से लेके जब से ब्रेन जाम हुआ उसका, और साथ में बाबा सीर है। ठीक है मैम। और उसका मुहासा निकलता है ना जब लैट्रिन करते बार, फिर उसको खुद अंदर नहीं जा पाता और खुद भरना पड़ता है अंदर उसको लैट्रिन करने के बाद। ठीक है ठीक। हाँ देखिए वो बच्चे को आँव निकलती है और शायद उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिलहाल उसको एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप अगर लिख सकें तो। एक दवा है जिसका नाम है लाजवंती, बारीक बारीक दाने दाने से आते हैं। लाजवंती लीजिए 50 ग्राम, कत्था लीजिए 50 ग्राम, कत्था जो पनवाड़ी पान पे लगाता है वो कत्था सूखा हुआ मिलता है, 50 ग्राम कत्था, 50 ग्राम लाजवंती, 50 ग्राम अलसी, 50 ग्राम गोंद मोरिंगा सफेद, इन सबको पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच रोजाना एक बार बच्चे को दूध से खिलाइए तो उसकी काफी मुश्किल आसान होना मुमकिन है जी। और भी सवाल था इनके? जी जी दमा है हस्बैंड को। अच्छा देखिए सपिस्तान आपके पति के लिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है, इसे आसान भाषा में लिसोड़ा भी कहते हैं। लिसोड़ा 100 ग्राम, सपिस्तान यानी लिसोड़ा 100 ग्राम, उन्नाब ये भी एक दवा का नाम है, बेर होते हैं लाल लाल बेर जिसे उन्नाब कहते हैं, सपिस्तान उन्नाब और अलसी, इन तीन चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर और उन्नाब की गुठली निकालकर फेंक देना और इसको पाउडर बनाकर एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से अपने पति को दिया करें और एक चम्मच रात को सोते समय 6-7 महीने दें तो फायदा होना मुमकिन है। रीटा जी स्वागत है आपका। बोले। हाँ जी बताएं सवाल करें। हाँ जी मैं सवाल बताऊँ आपको? बोलिए। हाँ जी मैं जब खाना खाती हूँ ना मेरे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। कर लीजिए जी बात हो रही है, आप बताइए सवाल। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जय हिंद स्वागत है आपका। हाँ जी डॉक्टर साहब जब मैं इसे कम कर दूँ, जब डॉक्टर साहब मैं खाना खाती हूँ ना तो मेरा सुंडी के ऊपर जो है एक पत्थर सा रखा जाता है। ठीक है। हाँ जी मेरे सुंडी के ऊपर ना पेट में पत्थर पत्थर सा हो जाता है, छूने से भी बहुत पत्थर सा लगता है। ठीक है ठीक है। और कोई समस्या? हाँ जी बस ये परेशानी है और जब मैं खाती हूँ तभी थैली ठीक हो जाती है, थैली में भर देते हैं ऐसा होता है। अच्छा देखिए सौंफ तो आप जानती होंगी, सौंफ सौंठ जीरा अजवाइन धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीजें लेकर पाउडर बनाकर घर में रखिए। और एक आता है नमक जैतून, ये एक नमक है विशेष जो 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालिए और इस पानी से ये जो 6 चीजों का चूर्ण या पाउडर है 1 चम्मच खाकर ये पानी पी लीजिए, नमक जैतून वाला पानी, नमक जैतून असली लीजिए और ये दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले आप इस्तेमाल किया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है।